हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल जायका। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मसाला विद काजू ग्रेवी, जो बहुत टेस्टी और इजीली बन जाएगी। तो चलो हमारी रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने 1 kg चिकन लिया है। अच्छे से वॉश करके मैं कुकर में मैरिनेट करूंगी। 1 चम्मच तंदूरी मसाला लेंगे, कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। मेरे अदरक लहसुन में नमक है, आप आपके हिसाब से स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। 1 चम्मच रेड चिली सॉस डालेंगे। 1/2 चम्मच चिली पाउडर डालेंगे, कम ज़्यादा वो आपकी चॉइस है, रेड फूड कलर या ऑप्शनल है। 1/2 ग्लास पानी डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करना है और 2 सीटी इसको कुक करना है। हमारी चिकन रेडी हो चुकी है, बहुत ही परफेक्टली गल चुकी है। अब हम इसकी ग्रेवी रेडी करेंगे। मैंने एक पैन लिया है, इसमें हमने 2 से 3 चम्मच बटर लिया है। आप चाहे तो सिर्फ तेल में ही बना सकते हैं, बटर जल जाता है, इसके लिए मैंने 2 से 3 चम्मच तेल लिया है। हमारा बटर गरम हो चुका है। मैंने 7 से 8 टमाटर की प्यूरी ली है। टोमेटो प्यूरी है ना, बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। इसको अच्छे से भुनना है। के बाद इसमें 1 चम्मच चिली पेस्ट डालना है। इसमें 1 चम्मच रेड चिली पाउडर डालना है, आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हम वो चिकन का सूप डालेंगे। अब हमारी चिकन ग्रेवी अच्छे से भुन गई है और बहुत अच्छा कलर आ गया है इसके अंदर। 1 टीस्पून तंदूरी मसाला डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 से 3 चम्मच मीठी दही डालना है। अब हमारी बॉईल की हुई चिकन इसमें डालेंगे। इसको 10 मिनट स्लो पे रहने देना है। इसमें 10 मिनट के बाद 2 से 3 चम्मच काजू पाउडर डालेंगे। काजू डालने से ग्रेवी बहुत रिच और क्रीमी लगेगी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। काजू हमेशा लास्ट में डालना, क्योंकि ग्रेवी चिपक जाएगी बीच में डालोगे तो। अब हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है और बहुत ही अच्छी बनी है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब इसको सर्व करेंगे।